फ्रेंड्स, वेलकम टू भामा यादव्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ भेल। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नूडल्स। मैंने इनको बॉयल कर लिया था। आपको पानी गरम करना है। पानी गरम करके हम इनको उसके अंदर डाल देंगे और जब ये ऐसे गल जाए तो हमने इसको बंद कर देना है और छान लेना है। मैंने ये करके रख दिया था। और लिया है मैंने पत्ता गोभी, इसको मैंने काट लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा है, आप देख सकते हैं। गाजर, ये मैंने एक गाजर ली है, इसको बारीक काट लिया है। दो शिमला मिर्च ली हैं, इनको भी मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है। और प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस। चाइनीज़ भेल बनाने में इस बहुत ज़रूरी है ये सॉसेस। सोया सॉस एक छोटी चम्मच, ग्रीन चिली सॉस भी मैंने एक छोटी चम्मच ली है, रेड चिली सॉस। अगर आपके पास में ग्रीन और रेड में से कोई भी हो तो आप कोई भी एक डाल दें, अगर दोनों डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एक छोटी चम्मच ली है मैंने टमाटो सॉस, दो बड़ी चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमारे सॉसेज में भी नमक होता है। अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। तो चलिए हम हमारी चाइनीज़ भेल बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी है। हम कढ़ाई के अंदर या पैन में हमारा ऑयल गरम करेंगे और हमारी नूडल्स को फ्राई करेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए हमको तेल ज़्यादा गरम चाहिए। ये मेरा तेल गरम हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर हमारे बॉयल्ड नूडल्स डालूंगी। ये देखिए, जैसे ही हम नूडल्स डालेंगे, इसको आपको पूरा नहीं भरना है, जैसे ही हम नूडल्स डालेंगे तेल एकदम से ऊपर आता है और थोड़ा थोड़ा करके ही हमने इसको डालना है। और ये पकेगा कैसे, सिकेगा कैसे, हमको इसका जब पता चलेगा जब इसके ये बबल्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बिल्कुल तेल जो है नॉर्मल आ जाएगा जब ये सिक जाता है। हम इसे चेक करेंगे, हमारे को बस नूडल्स तलने में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो चाइनीज़ भेल बहुत जल्दी बन जाती है। मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये बबल्स आ रहे हैं, ये आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे तब हमारी चाउमीन जो है नूडल्स वो पक जाएंगे। और आप इसको, ज़रूरी नहीं है आप इसको तल करके और एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। 10 से 15 दिन आप इसको आराम से यूज़ में ले सकते हैं। जब भी इच्छा हो भेल खाने की, निकाला और हाथों हाथ बना लिया। बस सब्जियां कटी होनी चाहिए हमारे पास में। देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल अच्छे से तल गए हैं। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हम इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा कढ़ाई में आ जाए और उसके बाद में हम इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर पे आ जाएगा। आप इसके अंदर जो भी सब्जियां डालना चाहें वो सब्जी यूज़ में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही सब्जी लें। इसके अंदर आप बेबी कॉर्न्स भी, सॉरी स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं स्वीट कॉर्न्स भी इसमें डालूंगी। आप जो भी पसंद करते हैं, बच्चे जो पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम हमारी बाकी के नूडल्स को भी फ्राई कर लेंगे। बस आपने ध्यान ये देना है कि हमारा तेल अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। एक बार के नूडल्स को फ्राई होने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, 5 से 6 मिनट लगते हैं। इन्हों को तलने में ही टाइम लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं हमारे ये नूडल्स भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। हम इनको भी
निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारे चाउमीन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये देखिए इसमें आपको आवाज़ भी आएगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जितने हम हमारी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉल्टी करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल डालना है और ऑयल को थोड़ा गरम करना है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन बारीक, जो हमने लहसुन काट के रखा था हमने वो लहसुन डालना है। सिर्फ 1 से 2 सेकंड इसको हमने चलाना है और फिर हमने इसमें हमारी शिमला मिर्च डाल देनी है, पत्ता गोभी, सारी सब्जियां हमने इसमें डाल देनी है और इसको हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, आधा कच्चा रखना है क्योंकि चाइनीज डिश के अंदर गाजर वगैरह, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, प्याज जो भी आप डालते हैं वो थोड़ा हल्का कच्चा ही रहता है ताकि क्रंची रहे, वो हमको इसको क्रंची ही छोड़ना है। अभी हम इसके अंदर हमारे मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न, वो भी ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद ना हो, आप ना डालना चाहें तो आप मत डालिए, इनमें से जो भी सब्जी आपको पसंद ना हो आप वो नहीं डालें। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते हैं इसमें तो आप लहसुन ना डालें, मैंने डाला है क्योंकि फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है। इन सब्जियों को हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है। अगर आपको इसको टॉस करना आता है तो ही आप करें, नहीं तो आप स्पून से इसको चम्मच से हिला सकते हैं। हमारी सब्जी सॉटे हो चुकी है, हमने कर लिया है, क्रंची हो गई है, गैस फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, ग्रीन चिली सॉस ये भी 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक क्योंकि हमारे सॉसेज में भी नमक है, तकरीबन 1 छोटा चम्मच आप डालिएगा। रेड चिली सॉस ऑप्शनल है, अगर आप ग्रीन चिली सॉस नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। टमाटो सॉस 2 बड़े चम्मच, अभी हमने इसी को अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे सॉस वगैरह, ताकि सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे सॉस अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अभी हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम हमारी भेल बनाना शुरू करेंगे। हम इनको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में खाली कर देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। मैं इसको सबको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। और जब तक ये ठंडा होता है हम हमारे नूडल्स को, ये ठंडे हो चुके हैं, मैंने थोड़े से नूडल्स अलग से निकाल लिए थे, इसके अंदर रख दिए। जितने नूडल्स आपको बनाने हैं, जितने आपको चाइनीज़ भेल बनानी है उतने की आप बना सकते हैं, बाकी को आप एयरटाइट कंटेनर में या किसी भी एयरटाइट बर्तन में आप इसको डाल करके रख सकते हैं, 15 दिन तक ये आराम से यूज़ में आएगा। हम इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे,
और जैसे ही हमारी सब्जी ठंडी होएगी हम इनको उसके अंदर मिक्स करेंगे। मैं बाकी का भी इसमें डाल लूँगी। और जिस वक्त भी आपने इसको खाना है उससे पहले आप इसको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये एकदम क्रिस्पी रहती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बहुत ही अच्छी सिकी है। आप इसको कोरा भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी ये। वेजिटेबल्स बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, इनको ठंडा होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। अभी मैं इसके अंदर हमारी नूडल्स को डालूंगी। ये सारे नूडल्स डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये मिल ना जाए पूरे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बस हमको नूडल्स को ही फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी में ही हमको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप इसको कभी भी खा सकते हैं, टी टाइम पे, शाम को, या कोई भी आपका गेस्ट आ रहा है तो आप उनके लिए भी एज अ स्नैक ये सामने रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टफुल लगती है, इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। अभी हम इसके अंदर धनिया डालेंगे हमारा इसको सजाने के लिए, और धनिए से और अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आप अगर इसके अंदर मसाले और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉसेस और ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी चाइनीज़ भेल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।